अगर गलती से मोरिंग लाइन टूट जाती है तब इसकी स्पीड तो 45 कैलिबर बुलेट जितनी होती है और ये इतनी स्पीड होने की वजह से पास खड़े वर्कर्स को काम तमाम हो जाता है। ये काम इतना खतरनाक है कि एक चूक और जान जा सकती है, इसीलिए इस काम को करने वाले हाईली स्किल्ड मैन होते हैं जो लगातार सेंटर से कॉन्टेक्ट में रहते हैं और सिप को रोकने के लिए ऐसी ही कोई रस्सी नहीं लगाई जाती। इसके लिए रस्सी की टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक होती है जिसे हाइड्रोलिक मशीन की मदद से इसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। अगर 4 इंच की मोरिंग लाइन है तो ये 3 टन की वजन सह सकती है। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए प्लेनेटरी फैक्ट को सब्सक्राइब करें।